वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020 और 2021 का बजट पेश कर दिया। 71 खरब 37 अरब का वफाकी बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मोटरसाइकिल और रिक्शा सस्ते, डबल कैबिन गाड़ियां महंगी, मुकामी मोबाइल फोन सस्ते, सिगार, सिगरेट, एनर्जी ड्रिंक्स महंगी, महंगे स्कूलों पर टैक्स दुगना, बगैर शनाख्ती कार्ड ट्रांजेक्शन की हद में इजाफा, 1299 अरब का दफाई बजट, वफाकी तरक्याती बजट में कमी, होटल इंडस्ट्री पर टैक्स पर कमी, टिड्डी दिल के खात्मे के लिए 10 अरब, कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब, कोरोना के लिए 1200 अरब रुपए मुहतिस कर दिए गए। बजट से मुल्क की रही सही मुआशी सांसें भी रुक जाएंगी, शहबाज शरीफ का कहना। बजट अवाम दुश्मन और गरीब कश, महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, ये बजट नहीं तबाही का नुस्खा है। बजट अवाम दुश्मन और गरीब कश, महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, ये बजट नहीं तबाही का नुस्खा है। लाहौर में कोरोना का फैलाव तेज, पीर से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करने पर गौर, SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने के लिए दफाक को सिफारशात भेजने का फैसला, हतमी मंजूरी के बाद अलहदा हिकमत अमली पर अमल दरामद होगा, वजीर आला की जेर सदारत अजलास में फैसला। कोरोना से मजीद 107 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, पहली बार एक दिन में 6397 रिकॉर्डेड केसेस सामने आए। जहां भाग अफराद की तादाद 2463 हो गई, मजमूई तादाद 1,25,933 तक जा पहुंची। पाकिस्तान का भारतीय दफ्तर हाजा के मनफी रद्द अमल पर अफसोस, भारतीय वजारत हाजा के तर्जुमान के रिमार्क संजीदा मसले पर पॉइंट स्कोरिंग है, हुकूमत वबा को मुश्तरका चैलेंज समझती है जिससे निमटने के लिए संजीदा कोशिशों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म, रेलवे का सिस्टम करप्ट हो चुका, अदालत उज़्मा ने एक माह में रेलवे से मुतालिक ऑपरेशन और मुलाजमीन की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर फैमिली कोर्ट में जस्टिस अंबर गुल साहिबा के चैम्बर में फैसला खिलाफ आने पर वकील की हंगामा आरई, अदालती फैसले को जोदो कोप किया, जिस पर जस्टिस अंबर गुल साहिबा ने वकील को 6 माह की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। वजीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज मुस्तरद कर दी, बजट में सब्सिडी कल्चर की हौसला शिकनी की जाएगी, गैर जरूरी अखराजात का सिलसिला कतई तौर पर बंद किया जाए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 75,97,341 तक जा पहुंची, जबकि इससे हलाकते 4,23,844 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 33,31,960 मरीज अस्पतालों, क्रंतीना मराकज में जेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में है। अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कंपनी जनरल मार्क मिली ने वाशिंगटन में मुजाहरीन पर आंसू गैस की शेलिंग के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ चहलकदमी पर मुआजरत की और कहा कि इस माहौल में इनकी मौजूदगी से ये तासर गया कि अमेरिकी फौज मुल्की सियासत में मुलविस है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती कौंसिल को बताया है कि गुज़िश्ता बरस मुतद्दद सऊदी तंसियात पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल ईरानी साख्त के थे। अमरीका ने इराक से आइंदा चंद माह के दौरान फौजियों की तादाद घटाने का ऐलान किया और कहा कि इराक में अमरीकी फौजी की मौजूदगी का मकसद जंगजू तंजीम दाश को शिकस्त देना था। भारत ने अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक्वामी मजहबी आजादी की मुल्क में अकलियत को दरपेश मसाइल का जमीनी जायजा लेने की गर्ज से दी गई सफरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि गैर मुल्की पैनल को भारतीय शहरियों के आईनी हकूक का जायजा लेने का कोई इख्तियार नहीं। सेहत के आलमी इदारे ने कहा है कि बड़े आजम अफ्रीका में वबाई मर्ज तेजी से फैल रहा है और इसने अब बड़े शहरों से निकलकर छोटी आबादियों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। बात करेंगे स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के बैट्समैन और उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर हैदर अली को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर सुहेल खान की भी स्क्वाड में वापसी। हारिस सुहेल के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया। दौरा इंग्लैंड के लिए टीम ऑफिशियल्स में मिसबाह हक हेड कोच, शाहिद असलम असिस्टेंट टू हेड कोच, वकार यूनस बॉलिंग कोच, अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच, यासिन मलिक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, तलहा भट्ट एनालिस्ट,
क्लिफ टेकन फिजियोथेरापिस्ट, मलंग अली मसाजर, मंसूर राना टीम मैनेजर, कर्नल उस्मान रिफत अनवरी टीम सिक्योरिटी मैनेजर, रजा राशिद टीम मीडिया मैनेजर, इजाफी टीम मैनेजमेंट में यूनस खान बैटिंग कोच और मुश्ताक अहमद स्पिनिंग बॉलिंग कोच के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। ऑनलाइन पाकिस्तान ओपन शेडो बॉक्सिंग फिटनेस चैलेंज 2020 के मुकाबलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। ये मुकाबले पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 15 जून से शुरू होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर और मायानाज बैट्समैन बाबर आजम ने कहा कि मैं विराट कोहली से बहुत पीछे हूँ, वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। ये बात इन्होंने एक इंटरव्यू में कही। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली से अपना मुवाजना के सवाल के जवाब में कहा कि विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है और मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। मुकामी सराफा मार्केटों में जुम्मे को सोने की फी तोला कीमत 98,200 रुपए मुस्तहकम रही। आल कराची सराफ एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जुम्मे को आलमी गोल्ड मार्केट में सोने की फी औंस कीमत $4 के इजाफे से $1,736 हो गई। कोरोना वायरस ने पावर सेक्टर को भी बुरी तरह से मुतासर करना शुरू कर दिया। 3 माह में तवानाई सेक्टर को 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गर्दिशी कर्जों में इजाफा होने से बिजली की तकसीम कार कंपनियां भी मुतासर होने लगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद करते हुए चीनी 70 रुपए फी किलोमीटर करने के लिए तैयार है। हुकूमत अवाम को 70 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करने के इकदाम करे। हत में कहा गया कि शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानब से चीनी कमीशन की रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज किया गया। हमारी दरख्वास्त पर अदालत ने एक अबूरी हुक्म जारी किया। तरक्की की राह पर गामजन, जेएस बैंक ने 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाली सहमाही के दौरान गुज़िश्ता साल 54.7 मिलियन रुपए के मुकाबले में रवा साल 1000% से जायद का बलस टैक्स 628.5 मिलियन रुपए का मुनाफा हासिल किया। सीईओ एसए ग्रुप शुएब अफजल मलिक का कहना है कि स्नूकर नौजवानों का मकबूल खेल है। इस गेम की मकबूलियत को देखते हुए एसए ग्रुप स्नूकर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हर तरह से ताउन करेगा। टुडेज करेंसी रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय एसए गार्डन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 111.50, बहरीन दिनार 423 रुपये, ब्रिटिश पाउंड 203 रुपये, कैनेडियन डॉलर 118 रुपये, चाइनीज युआन 23.20, डेनिश क्रोन 23.70, यूरो 181 रुपये, हांगकॉन्ग डॉलर 21.65, इंडियन रुपीज 2.07। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन 15,56,295 रुपये 2 पैसा, इथीरियम 38,999.66, टीथर 164.50, रिपल 31.68, बिटकॉइन कैश 39,509.61।